तशरीक किसे कहते हैं, तकबीर तशरीक क्या होता है और ये कब पढ़ा जाता है, और तकबीर तशरीक सबसे पहले किसने पढ़ा। पहले आप ये जान लें कि तकबीर तशरीक क्या होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, इसे तकबीर तशरीक कहते हैं। तकबीर तशरीक क्या होता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन तकबीर तशरीक कब और किस वक्त पढ़ा जाता है आइए इसे भी जानते हैं। 9 ज़िलक़ायदा की फजर से 13वें ज़िलक़ायदा के असर तक पढ़ी जाती है। क्या इसका कोई ख़ास वक्त भी मुकर्रर है? जी हाँ, हर फर्ज नमाज के बाद जो जमात के साथ पढ़ी गई हो उसके बाद एक बार पढ़ना वाजिब और 3 बार पढ़ना अफजल है। तकबीर तशरीक क्या होता है, तकबीर तशरीक कब पढ़ते हैं ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तकबीर तशरीक सबसे पहले किसने पढ़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लेटा दिए और फिर जब छुरी चलाने वाले ही थे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए जिब्रील, फौरन जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। जिस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे थे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आते देख कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा। जब छुरी चल गई और दुम्बा ज़बह हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आँखों पर से पट्टी हटाया और देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा और ये कलमे अल्लाह तबारक व ताला को इतना पसंद आया कि इस कलमे को उम्मत मुस्लिमा पर 9 ज़िलक़ायदा की फजर से 13वीं ज़िलक़ायदा की असर तक पढ़ना वाजिब कर दिया।